Achya ji, hello, assalamu alaikum, welcome back. My name is Muhammad Bilal and you're watching I am Bilal This video right here marks my first episode inshallah In a, in a series where I will decode atheism in Urdu and pseudo English hai? Pe apne Pakistani or Indian or, इस ज़बान को समझने वाले इस लिंग्विस्टिक को समझने वाले बॉयज़ और गर्ल्स के लिए एक खिदमत एक सदका जा रही है विच आई विल लीव बिहाइंड मी एज समथिंग समच कैन बेनिफिट इन शाला मैसेज होपफुली सीर ये है कि यह है इस पर खास करें आपको थीरीज भी नहीं बताना मैं थोड़ा तो ओवर भी देता तो, हूँ सीरीज़ का द सीरीज इज पोज टू बी हमने वन बाई वन पहले अपनी आर्ग्यूमेंट्स देने अगेंस्ट एथिज़म मेन मेन जितने भी आर्क्यूब इंटेलजेंट डिजाइड आर्क्यूबैट बोलेटी मोरालिटी को ठीक है कल का आर्क्यूबैड कॉस्मोलॉजी वाला आर्क्यूबैड और क्या कहते हैं इस तरह के जितने भी आर्क्यूबेंट्स हैं हमारे मेन मेन पहले उनको एक एक करके मैं आपको पाँच छः दस जितने भी आर्क्यूबेंट्स हैं अभी तो मैं पाँच लिखे हैं लेकिन देखता हूँ और भी कोई हो जो मुझे ना पता हो तो रिसर्च करके इन शाला इस वीडियो सीरीज की खातिर उन सब पहले हम सबको स्टेट करेंगे फिर उनके जो मेजर इतराजात हैं उनको एक एक करके काउंटर करेंगे एंड एडवेली हम सीरीज को इस तरह तरतीब करेंगे एथीज़म वर्ड का ओरिजिन लिटरली है विदाउट ए का मतलब विदाउट थी गॉड विदाउट गॉड खुदा के बग़ैर एथीस्ट आप बंदे के लिहाज से बहुत माइन्यूट सा फ़र्क है एक एथियस्ट और एक एग्नोस्टिक में लेकिन थियोलॉजी में और फलसफी में बहुत मेजर फ़र्क है एक एग्नोस्टिक वो बंदा होता है जो खुदा को मानता नहीं है लेकिन वो खुदा का इनकारी भी नहीं होता वो ढूंढ रहा होता है तो समझ नहीं होती खुदा की इट इज़ अ वेरी 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 बेटर प्लेस टू बी इन रान बीग अथियस्ट क्योंकि बींगस्ट इज़ लिटरली डिनाइंग द ओरिजिन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड सिरे से कि भाई है ही नहीं ये है दिल की मोहर एक पाकिस्तानी बदमाश लॉन्डे में और एक एथियस्ट में ये फर्क है कि बदमाश पाकिस्तानी बदमाश लॉन्डे के पास फिर भी कोई ना कोई बैकिंग होती है कोई ना कोई सपोर्ट होती है कोई ना कोई वजह होती है अपने सारे घमंड की अपने सारी प्राइड की ना कोई वजह होती है कोई वजह एथियस्ट के पास वो भी नहीं है एथियस्ट इज लिटरली अ पर्सन हु इज एन एन नॉट लिटरलीसनोटिक एक्चुअली टू बी वेरी फेयर एग्नोस्टिक होने में इतनी कोई बुराई भी नहीं है आपको मेरा नहीं समझ आता खुदा खुदा एक जर्नी है खुदा तक पहुँचना एक कि है आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन जो खुदा को ढूंढ रहे हैं इनकारी नहीं है समझ भी नहीं आ रही मानता भी नहीं है लेकिन ही नहीं है दैट्स अ वेरी वेरी कम्फर्टेबल एंड बेटर पोजिशन टू बी इन रायर देन बींग एन एथियस्ट लेकिन एक एथियस्ट होना इट्स लाइक लिटरली बींग नो बडी क्योंकि मैं अगर एथियस्ट हूँ ना तो फिर मैं किसी की कोई वैल्यू कोई बात कोई चीज़ पर ना पॉइंट आउट कर सकता हूँ ना नसीहत दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास खुद कुछ, कुछ है ही नहीं एक एथियस्ट की एग्जाम्पल है ऐसे बंदे की जो कि दुनिया जहान को सिखाएगा कि आम कैसे काटना है ठीक है आड़ू कैसे काटना है लेकिन उससे कोई पूछेगा भाई आड़ू आया कैसे तो वो कहेगा यार एक दफ़ा जो है ना कहीं आ गया था बस उससे वो एक दफ़ा जो आया था वो कहाँ से आया था किसने कुछ कुछ तो हुआ होगा तो कह यार उसका नहीं मुझे पता लेकिन एक दफ़ा आया था फिर सब कुछ सेट हो गया और दुनिया जहान को लेक्चर देता है एक एथियस्ट उसके पास तो कोई कोई फिलोसॉफिकल एथिकल मॉरल पोलिटिकल कुछ स्टैंडिंग ही नहीं है मतलब मुझे बड़ा हंसी आती है इतने उस मसाक उड़े उत्ये हमारी शरीयत का हमारे कानून का हमारे दीन का रसूल के सीरत का ठीक है ना और अरब के कुछ कल्चर्स का वटैवर मैं हंसी आती है कि भाई ये बात ही बहुत आगे तक है ठीक है ना ये बात करना भी इसको भी छोड़ो हम इस पर बाद में आएंगे कि रसूल की शरीयत बेहतरीन जो कि है ठीक है ना बेहतरीन है और क्यों है और कैसे है भाई तेरे पास तो शरीयत भी नहीं है तू क्यों बात कर रहा है मुझसे तो पास तो शरीयत भी नहीं है तेरे पास तो है ही नहीं वो चीज़ तो तो तेरे पास तेरे तो इख्तियार तो ही नहीं तो मेरे पास सवाल उठा है मतलब समझ रहे बात को एथियसट ऐसी बेबुनियाद बेबुनियाद थियोलॉजी है जो बिल्कुल आबाही है आपने समझ ना पड़ेगा सीरीज का मकसद यही ही है बड़ी सादी जबान में बड़ी आम जबान में आपको ना बयान करना है कि ये सारे ये क्या है एक वजह बिलाजत घमंड लाइक like मुझे कोई पूरी ताय कि आम के रस से ये ऐसे होता है आम ऐसे निकलता है इस तरह का आम ऐसे होता है फल टा आम पे मुझे पूरी समझ दे दे मैं उससे पूछू भाई आम एग्जिस्टेंस में कैसे आया मुझे क्या एक एक मैजिक हुआ था एक मैजिक एक बड़ा मेरे कल हुआ था लेकिन उसके बाद सब कुछ सेट हो गया तो वो मेरे कल कैसे हुआ अभी नहीं पता मुझे जब तुझे वो नहीं पता तो उसको देख जाके उसको उसका मुझे पहले जवाब बता फिर आगे चल समझ रहे है बात को कि भाई आप पहले उसका तो जवाब दे दो जब उसका जवाब आएगा फिर हम बात करेंगे आगे मोरालिटी पे शरीयत पे क़ानून पे इंसानी एवोल्यूशन पे सब पे पहले उसका जवाब दो कैसे हज़ार साल लगा चुके हो और हज़ार साल लगाओ मुझे उसका जवाब दो कैसे कहाँ से आया ठीक है बिग बैंग से भी पहले बिग बैंग कैसे है? पहला एटम कैसे क्रिएट हुआ दुनिया का बताओ तो ये आप लोगों ने घबराना नहीं होता इन लोगों से इन लोगों के पास इनके पीछे जो ठब्बे लगे होते हैं या इनके पास जो फंडिंग होती है उनसे घबराना नहीं है इनके सूट वूट से इनकी लिंग्विस्टिक से इनकी बोल चाल से ठीक है इनके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट से द दवे दॉक दवे दल दम सेल्फ ठीक है ना वे दे इंटलेक्चुलाइज डैम सेल्फ कुछ भी नहीं है सिर्फ हवा है कुछ भी नहीं ठीक है ना बात तो सबने करनी थी शरीरियत पे है बात के सबने करनी दी दीन पे तेरे पास दीन है ही नहीं तुझे तो ये नहीं पता तू पैदा कैसे हुआ है ठीक है इस बड़े बड़ी मेरा बदला है हमारे पास एक कॉग्निटिव प्रायर कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन इतना मजे का आर्क्यूमेंट है सारों पर आऊँगा इन वन बाय वन आई डोंट वांट टू मेक द सेशन अ बिग रैंडम सेशन विच गोज एवरी वेयर ठीक है अबाउट हु एंड वॉट एथीजम इज़ एंड हाउ टू काउंटर इनशाला उस पर हम आगे जाएंगे दलाइल पर मुख्तफ ठीक है प्रायः कोपेटिव इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे इंटेलिजेंट डिज़ाइन पर जाएंगे कॉस्मोलॉजी वाले आर्ग्यूमेंट पर जाएंगे कलाम के जाएंगे जाएँगे रसीना के आर्ग्यूमेंट पर जाएंगे और भी और देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स को किन किन ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिखे हैं सब पे मोराल्टी वे आर्ग्यूमेंट पर जाएँगे सब पर जाएंगे इन शुअली लेकिन अभी सारा मकसद है एक ओवरऑल ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन ठीक है इनसिक्योरिटी के बारे में बच्चे बच्चे आपको मुकम्मल करने के लिए ये बैनर और ये लेबल लगाते हैं इस बैंड वैगन में आते हैं कि शायद इस तरीके से वो इंटेलेक्चुअल महसूस हो सीम हो दिखें ठीक है और लगे। देर इज नो बेसिस ऑफ एथिस्ट आप खुदा से दूर भी जा सकते हो खुदा को समझने में आपको दुश्मारी भी हो सकती है लेकिन यू कैन नेवर कम टू स्टेट इंटेलेक्चुअली टू डिनाई गॉड ये जो उनके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि अगर खुदा होता मोहब्बत करने वाला होता तो बच्चे क्यों मरते इस पर भी आएंगे इस पर भी आएंगे ठीक है लेकिन लेट्स टेक स्टेप बाई स्टेप इनशाला अगली वीडियो में हम आर्ग्यूमेंट्स शुरू करते हैं पहले आर्ग्यूमेंट्स देंगे फिर इनके तथा पे एक करके जवाब देंगे सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इनशाला